सचिव शौकीन जफर साहब आज किस कार्यक्रम की सदारत कर रहे सदरंग मोहतरम साहब और मंच पर उपस्थित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पश्चिम उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष जनाब मरगूब हसन साहब, महानगर अध्यक्ष जनाब साजिद शाह साहब और राशिद मक्खन साहब और इस प्रोग्राम को सजाने वाले सारून साहब और सनवर अली खान साहब, मंच पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित नेतागण, बुजुर्गो, नौजवान साथियों, नाम अगर लूंगा सबके तो बहुत टाइम हो जाएगा। दोस्तों, मैं अपनी कौम के इन नौजवानों से एक अपील करना चाहता हूं कि आपकी मोहब्बत के लिए हम यहां पर आए हैं और दो बात बड़ी संजीदगी के साथ आप लोगों से करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रखा गया है। ये उस पार्टी का प्रोग्राम है, उस नेता की पार्टी का प्रोग्राम है जो भारत के अंदर आप पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ने का काम करता है। ये उस असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रोग्राम है जो सड़क से लेकर संसद तक आपके लिए लड़ने का काम करता है। ये उस नेता की पार्टी का प्रोग्राम है जिसने आपके लिए बोलने पर जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में कार्यक्रम को संबोधित करने आते गोलियां चलाने का काम किया जाता है। ये उस शेर के पार्टी का प्रोग्राम है जो गुजरात के अंदर आपकी आवाज को उठाने के लिए जाता है तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए पर भी हमला करने का काम किया जाता है। ये उस शेर की पार्टी का प्रोग्राम है, लेकिन अफसोस की बात कि मेरी कौम के लोग संजीदगी के साथ बात को सुनना पसंद भी नहीं करते। ए मेरी कौम के लोगों, आज तुमसे कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तब आपको तामना होगा अगर आपको अपने हक और इंसाफ को कायम रखना है, वरना हिंदुस्तान के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार जो चल रही है हर मुहिम आपके खिलाफ लाने का काम कर रही है। जब हिंदुस्तान के अंदर CAA को लाकर आपको खत्म करने की साजिश रची जाती है तो हिंदुस्तान में एक ही शेर है जो संसद के अंदर खड़ा होकर बोलता है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जब आपके खिलाफ आपके आसाम के अंदर जब मदारिसों को बुलडोजरों से गिराया जाता है तो एक ही शेर है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है जो उसका विरोध करता है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर आपके मकानों पर बुलडोजर चलाने का काम किया जाता है तो हिंदुस्तान के अंदर एक ही शेर है असदुद्दीन ओवैसी जो आपके लिए बोलने का काम करता है। और ये कहता कहनी है, यहाँ के लोग गवाह हैं कि जब नूपुर शर्मा द्वारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्थान में गुस्ताखी करने का काम किया गया, उसके खिलाफ जब आपके नौजवान बच्चे उसकी गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरने का काम हुआ तो इस योगी सरकार की पुलिस ने उन पर फर्जी मुकदमे लादने का काम किया और जेलों में भेजने का काम किया। मेरे कौम के लोगों, तो बताओ उस लड़ाई को लड़ने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कौन आपके पीछे आया है? तो आपसे एक ही अपील है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके वार्ड 36 में जिसको भी अपना टिकट देकर भेजने का काम करे, आपका मकसद एक होना चाहिए कि नेता हमारा असदुद्दीन ओवैसी, पार्टी हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और चुनौत सिंह हमारा पतंग, जो पतंग लेकर आएगा वो वोट लेकर जाएगा। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।